हमीरपुर पुलिस ने धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर तलाशी में नाका लगाकर कई यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे व उनसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट, रैश ड्राइविंग, बिना लाइसेंस और बिना सीट बेल्ट गाड़ियों को दौड़ा रहे वाहन चालकों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस प्रभारी पाल सिंह चंदेल ने बताया कि धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर सलासी में नाका लगाया गया था, जिसमें ओवर स्पीड चल रही गाड़ियों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए गति सीमा तय की गई है, जिसकी वाहन चालकों द्वारा अवहेलना की गई है, जिसके चालान काटे गए हैं। नाका लगाया था जिसमें आज दो बाइकों के चालान एक्सेस स्पीड के हुए हैं, जिसमें एक 99 है और एक 90 और भी ज़्यादा हैं, 70 है, 80 है, 80 पर आवर NH में है और जो LNV है पर्सनल व्हीकल उसमें 60 है, इनके पर्सनल व्यक्तिगत कार की जो स्पीड है 60 किलोमीटर से नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए प्रति घंटा। और जो गुड्स व्हीकल हैं उनकी 55 है, जैसे ट्रक है, बसेज है, ट्राला है, इनकी 55 फीट है। तो जो निर्धारित गति सीमा की गई है उसके अंतर्गत ही गाड़ी चलाएँ और अपने आप ही सुरक्षित रहें और लोगों को भी अनावश्यक ओवरटेक ना करें और अत्यधिक गति से तेज गति से बाहर ना करें।